wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering, and futility. Listen. Everywhere you look in this world, wherever there is light, there will always be shadows to be found as well. Just who are you? I am the ghost of the Uchiha. तो इस वीडियो का थंबनेल और इंट्रो देख के शायद आप लोग समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल हेडशॉट सेटिंग्स बताने वाला हूँ, जिनको अगर आप लोग ऑन करके गेम प्ले करोगे तो आपका इतना खतरनाक वाला हेडशॉट लगने वाला है कि सामने वाला जो एनिमी रहने वाला है ना, उसका लिटरली फट के हाथ में आने वाला है। और गाइस, अगर आप लोग वन टैप के गन्स ज़्यादातर चलाते हो तो उसके लिए तो भाई ये सेटिंग्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सारे सेटिंग्स को आप लोग जैसे ही ऑन करके जैसे ही वन टैप के गन चलाओगे तो आपका इतना खतरनाक वाला वन टैप लगेगा ना, एक भी बुलेट मिस नहीं होगा। और गाइस देखो, मेरा आवाज़ थोड़ा सा डाउन है क्योंकि मुझे थोड़ा सा सर्दी हुआ है, जिसकी वजह से मेरा आवाज़ नीचे हो गया है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो इस बात करते हैं हमारे सबसे पहले एक्सटर्नल सेटिंग्स के बारे में। जो हमारा पहला सेटिंग है वो है डीपीआई। तो गाइस देखो, यहाँ पे मैं 200 तक डीपीआई को इंक्रीज करता, मतलब मेरा यहाँ पे डिफॉल्ट डीपीआई 411 है, उसके साथ मैं 200 को ऐड करके 611 डीपीआई यूज़ करता हूँ। लेकिन आपको एकदम से 200 डीपीआई को इंक्रीज नहीं करना है, वरना आपका गेम सिंपल रन जैसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 100 डीपीआई को इंक्रीज करना है, आपका जो भी डिफॉल्ट डीपीआई है। अगर आपका 411 डिफॉल्ट डीपीआई है तो उसके साथ आप लोग 100 ऐड कर दो, मतलब 511 रख लो। उसके बाद वहाँ पे आप लोग गेम प्ले करो, जब आपका हैंड सेट हो जाएगा फिर आप लोग 50 इंक्रीज करना। उसके बाद उसमें जब आपका हैंड सेट हो जाएगा फिर आप लोग 50 इंक्रीज करना। तो ऐसे करके आप लोग 50-50 करके हाईएस्ट 300-350 तक डीपीआई को यूज़ कर सकते हो। इसमें आपका फ़ोन भी ख़राब नहीं होगा और आपका सेंसिटिविटी इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा कि आप लोग थोड़ा सा ड्रैग करोगे तो आपका हेडशॉट बहुत ही ईजिली लग जाएगा। हमारा जो दूसरा सेटिंग है वो है डेवलपर सेटिंग। तो आपको डेवलपर वाले सेटिंग के अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद आपको स्क्रोल करके नीचे की तरफ आना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फोर्स 4x ms बोल के, आप लोग देख सकते हो। तो ये सेटिंग को आपको सिंपली ऑन करना है, और इसके नीचे वाला जो सेटिंग है इसको भी आपको ऑन करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका गेम थोड़ा बहुत जो लैग करता है ना, वो लैग फिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका गेम स्मूथली चलेगा, और गेम स्मूथ चलेगा तो आप लोग हेडशॉट भी आराम से मार सकते हो। हमारा जो तीसरा सेटिंग है वो है रिफ्रेश रेट। अब देखो, आपको क्या करना है भाई, मेरे ये वाले फ़ोन में ना रिफ्रेश रेट नहीं है। मेरा कितना रिफ्रेश रेट है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँगा रिफ्रेश रेट, तो यहाँ पे दिखा रहा है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ऊपर में मेरा जो रिफ्रेश रेट है वो 60 है। इसको मैं इंक्रीज भी नहीं कर सकता और डिक्रीज भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा पुराना मॉडल का फ़ोन। अगर आपके पास न्यू मॉडल का फ़ोन है तो आप लोग डिस्प्ले वाले सेटिंग में जाना है। डिस्प्ले वाले सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपका देखना 60 या फिर 120 हर्ट्ज होगा। तो अगर 120 हर्ट्ज है तो उसको पूरा इंक्रीज कर देना, जिससे क्या होगा कि आपका गेम बहुत ही ज़्यादा स्मूथली चलेगा, और आप लोग फ़ोन वगैरह जब यूज़ करोगे तो वो भी आपका काफ़ी स्मूथली चलने लगेगा। हमारा जो चौथा सेटिंग है वो है पॉइंटर स्पीड। जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि आपको पॉइंटर स्पीड यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पे आपको पॉइंटर स्पीड को पूरा इंक्रीज करके रखना है, और इसके नीचे जो सेटिंग है इसको भी आपको पूरा इंक्रीज करके गेम प्ले करना है। तो क्या होगा कि अगर आपका एम एनिमी के हेड के थोड़ा सा भी आसपास रहेगा तो वो एम ऑटोमेटिकली एनिमी के हेड में कनेक्ट हो जाएगा, और जब आप लोग फायर करोगे आपका हर एक बुलेट एनिमी के हेड में ही लगेगा। वही बात करते हैं हमारे एक्सटर्नल सेटिंग्स के बारे में। तो इसके लिए आपको गेम को ओपन कर लेना है। गेम को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे गेम के सेटिंग के अंदर जाना है, फिर आपको यहाँ पे सेंसिटिविटी में आना है। अब देखो, सेंसिटिविटी में आने के बाद यहाँ पे आप लोग जनरल सेंसिटिविटी को 100 रख सकते हो, चाहे आपके पास कोई सा भी डिवाइस हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे आपको रेड डॉट सेंसिटिविटी को बिल्कुल 100 नहीं रखना है, यहाँ पे आपको 99 यूज़ करना है। इससे क्या होगा, आपका रिकॉइल कम होगा, जिससे आप लोग आराम से हेडशॉट मार सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले वाले सेटिंग पर आना है। डिस्प्ले वाले सेटिंग पर आने के बाद यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपका यहाँ पे आप लोग देख सकते
यहाँ पे अगर आपके पास लो डिवाइस है तो आप लोग यहाँ पे स्मूथ या फिर स्टैंडर्ड में खेल सकते हो, लेकिन आपको एक सेटिंग को ऑन करना है जो है हाई रिफ्रेश रेट। आप लोग देख सकते हो ये वाले सेटिंग को आपको ऑन करना है। और अगर आपके पास हाई डिवाइस है तो आप लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड या फिर अल्ट्रा में खेल सकते हो, दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को भी ये जो हाई रिफ्रेश रेट है ये वाले सेटिंग को ज़रूर ऑन करके ही गेम प्ले करना है। तो गाइस मैंने आप लोगों को जो सारे सेटिंग्स बताए हैं इनको ऑन करने के बाद आप लोग खुद ही देखना कि आपका गेम प्ले कितना ज़्यादा बेटर हो जाएगा और आपका हेडशॉट रेट भी कितना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो गाइस अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास। तो गाइस चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।